केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का कानपुर दौरा, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र कार्यालय में प्रेस वार्ता की। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश सरकार की पहल की तारीफ की। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर की भी तारीफ की। बीजेपी दलितों को, पिछड़ों को अधिकार दिला रही है। केंद्रीय मंत्री का यह कहना है, सपा बसपा वोट लेने तक सीमित है। उनका यह बयान है, साध्वी निरंजन का यह कहना है कि सपा और बसपा जो है वो केवल वोट लेने तक ही सीमित है, जबकि बीजेपी जो है वो दलित को, पिछड़ों को अधिकार दिला रही है। साध्वी निरंजन ने यूपी सरकार की तारीफ की, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र कार्यालय में प्रेस वार्ता की। उस पर आपने कल प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि हम तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी के अधिकारों की सुरक्षा भी करती है, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित समाज से हो, सबके अधिकारों की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अन्य पार्टियां ओबीसी के नाम से वोट तो ले सकती हैं, लेकिन वो सहफाई तक सीमित रहते हैं। और एक पार्टी है जो दलित के नाम से वोट लेने का काम करती रही अभी तक, वो अपने तक सीमित रही है। यदि सही मायने में सारे समाज का अधिकार किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, चाहे नीचे से लेकर के देखें, चाहे सर्वोच्च पद पर देखें। यदि मैं कहूँ कि हमारे जनपद के गौरव महामहिम के पद पर अभिषिक्त हुए, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी रामनाथ कोविंद जी के रूप में राष्ट्रपति बनाने का काम किया।